जय श्री राम। सभी संतों को मेरा प्रणाम और नमन। सभी संतों से आज बापू जी के भक्त पूछ रहे हैं ये 10 सवाल। क्या ये 10 सवाल खोल पाएंगे सभी संतों का मौन व्रत? जी हाँ। क्या आपने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी? क्या 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की जिसने 3+3+12 में 18 साल गुजार दिए वो नाबालिग हो सकती है? क्या अगर किसी मौलवी पर इसी तरह के आरोप लगते तो भी आप चुप रहते? नवा प्रश्न आपके सामने। अगर आप खुद एक संत पब्लिक फिगर हैं तो क्या संत को खुद को मिटाकर ही संत बनाया जाता है? आप बापूजी के साधकों के लिए हृदय की पीड़ा को अवश्य सुनना चाहिए जो कि पिछले 8 वर्षों से बहुत पीड़ित हैं, वरना आप संत कैसे? आपको तो अपने इमेज की चिंता है। आशा करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। बापूजी ने जब भी किसी संत पर आरोप लगा, चाहे सत्य साई बाबा हो तो ऋषि प्रसाद के माध्यम से, चाहे वो जयंत सरस्वती हो 2004 में तो बापूजी ने उनके लिए जंतर मंतर पर धरना दिया। इसी प्रकार जब साध्वी प्रज्ञा जी अरेस्ट हुई तो 2008 में बापूजी ने मुंबई में सभी संतों के साथ सम्मेलन किया। साध्वी रितंबरा जी भी उसमें मेन थी और अनेक संतों के साथ, बापूजी सत्य साईं बाबा के साथ, जैन सरस्वती जी के साथ, मुरारी बापू के जी के साथ, रविशंकर जी के साथ, रामदेव बाबा के साथ, ब्रह्म कुमार स्वामी जी के साथ बापूजी। अनेक शबरी कुंभ में गणमान्य व्यक्तियों के साथ, प्रवीण तोगड़िया जी के साथ साईं जी, गुजरात के एक साउथ इंडिया के मशहूर संत के साथ रामदेव जी और बालकृष्ण जी के साथ साईं जी, हनुमान भक्त संत जो साउथ इंडिया से, उनके साथ पायलट बाबा के साथ, और सत्य मित्रानंद गिरी जी के साथ, चिन्मयानंद मुनि के साथ, जग्गू वासुदेव और अवधेशानंद जी के साथ साईं जी, जैन सरस्वती जी के साथ, रविशंकर जी के साथ। आप देखते हैं कि अनेक संतों पर इस प्रकार के आरोप लगे, किसी को भगवा आतंकवाद में फंसाया गया तो अनेक संतों को आजकल रेप के आरोप में फंसाया जा रहा है। स्वामी असीमानंद जी, साध्वी प्रज्ञा और भी अनेक संतों को इस प्रकार, लक्ष्मणानंद जी जैसे संतों को फंसाया गया। योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे मोहन भागवत जी आरएसएस के हों, चाहे वीएचपी के हों, अशोक सिन्हल जी, सुब्रमण्य स्वामी जी, अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने बापू जी का साथ दिया और उनका समर्थन किया। आपको पता होगा कि पिछले 8 वर्षों से बापू जी के साधक अपने आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन आप में से कोई भी संत आज तक भी बोलने सामने नहीं आया। क्यों डरते हैं आप? क्या बापूजी के साधकों के इन प्रश्नों का उत्तर देंगे? आपको पता होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव 84 वर्ष के संत आसाराम जी बापूजी को कोरोना भी होके निपटा है और उनको 8 बोतल खून की चढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो एलोपैथी इलाज उनको कराया गया जबकि वो नहीं चाहते थे कि उनका एलोपैथी से इलाज हो। आज भी उनको अनेक प्रोस्टेट में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमें डेट पर डेट दे रहा है, क्या हमें बापूजी को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। जय श्री राम। हरिओम।